नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी। तो ले लिया है 2 कटोरी बेसन और उसे इस तरह से ही ड्राई रोस्ट करना है थोड़ी देर तक, जब तक कि भीनी भीनी सी खुशबू ना आने लगे। और फिर उसके बाद 1 कटोरी डाला है इसमें देसी घी। तो मेज़रमेंट के लिए आप 1 कटोरी या कप कोई एक बर्तन चुन लें, उसी से सारी चीज़ नापें। तो उसी कटोरी से 2 कटोरी बेसन है और 1 कटोरी है देसी घी। तो बेसन का आधा है घी, तो इस तरह से लो मीडियम फ्लेम पर इसे इस तरह से रगड़ते हुए भूनेंगे धीमी धीमी आंच पर। और उसके बाद जब अच्छी सी खुशबू और कलर आ जाए तो उसमें 1 कटोरी डाल रही हूँ मैं दूध। तो दूध भी बेसन का आधा लगेगा, तो 3-4 बार में थोड़ा थोड़ा डालकर, एक बार का दूध जब अच्छे से सूखने लग जाए तब आप अगला डालें। तो 3-4 बार में डाल के मैंने ये दूध इस बेसन में चलाते हुए भून लिया है। और इस तरह से रगड़ते हुए इसे भी चलाना है, जिससे कि पूरा बेसन में गुठलियाँ ना पड़ने पाए और अच्छी तरह से भून जाए। तो इस तरह से कलछी से दबाते हुए रगड़ते हुए पूरा बेसन काफ़ी थोड़ी देर तक भून लिया है। 10-15 मिनट लग जाते हैं इसे भूनने में, तो बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, आराम से भूनना है। आँच लो मीडियम ही रहेगी। और देखिए बस तैयार हो गया ये टेक्सचर, ये जो है ब्रेड क्रम्बल जैसा कुछ तैयार हो जाता है। इसे रख दिया मैंने अलग थाली में और इसी कढ़ाई को साफ़ कर इसमें डाल रही हूँ 2 कटोरी चीनी। तो जितना बेसन हो उतनी ही चीनी लें और पानी बस इतना कि बस चीनी डूब जाए और चीनी घुल जाने तक उसे चलाएं। फूड कलर आपकी इच्छा हो तो डाल लें, मैंने डाला है थोड़ा सा ऑरेंज कलर। तो चाशनी को मीडियम हाई फ्लेम पर मैंने पकाया है चलाते हुए अच्छा सा, और अच्छा सा झाग आने लग गया है। 1 तार के करीब चाशनी तैयार है। हमें चाहिए 1.5 से 2 तार के बीच की चाशनी, तो इसे अच्छी तरह से चलाते रहें और 1.5 तार होने तक हमें इसे पकाना है। तब इस समय मैं डाल दे रही हूँ इसमें इलायची पाउडर और फिर एक बार चला के इसे धीमी आंच पर छोड़ दे रही हूँ। 1 तार से ऊपर की चाशनी बन गई है, थोड़ा सा 5 मिनट की और कसर है, तब तक मैं इसे पका दूँगी। देखिए एक अच्छा सा गाढ़ापन आ गया है चाशनी में, 1 तार की चाशनी तैयार है। थोड़ी देर के लिए और इसे पकाना है, तो तब तक मैं इस बेसन में डाल दे रही हूँ ड्राई फ्रूट जो कि मैंने बारीक काट के रखे हुए हैं, काजू और बादाम मिलाया है और थोड़ा सा डाला है इलायची पाउडर। और फिर चाशनी में इसे अच्छी तरह से मिला दिया है, अच्छी तरह से चला कर मिला देंगे जिससे कोई गुठलियाँ ना रह जाएँ। और थोड़ी देर उसे रख दिया है और मैं तैयार कर रही हूँ यहाँ पर बर्फ़ी के लिए ट्रे। तो मेरे पास ट्रे नहीं है, इसलिए मैं इस मिठाई के डिब्बे में फॉइल पेपर से इस तरह से दोनों तरफ के बॉर्डर्स पर पेपर्स को लगाकर एक ट्रे जैसी शेप दे दे रही हूँ, जिससे कि बर्फ़ी इसमें अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो इसके बाद कढ़ाई को चढ़ा दिया है गैस पर, 5 मिनट के लिए हमें और इसे पकाना है, जब तक कि चाशनी अच्छी तरह से सूखने ना लग जाए। तो जब चाशनी सूखने लग जाएगी तो नीचे से थोड़ा सा सफ़ेदी सा आके छोड़ने लगेगा मिश्रण ये बेसन का, तो बस इसी समय इसे गर्म ही पलट लें अपने ट्रे में और ज़्यादा देर ना करें, नहीं तो सूखने लग जाती है, सूखने लग जाता है ये मिश्रण। तो गरम गरम ही डाल दिया है और थोड़ी देर हाथ से सेट करते हुए थपथपा दिया है, जिससे कि मिश्रण अच्छी तरह से सेट हो जाए। और बस इस तरह से उसके बाउंड्रीज़ को थोड़ा दबा दिया है जिससे कि बाहर ना निकलने पाए, वैसे गाढ़ा है मिश्रण निकलता नहीं है। तो रात भर के लिए इसे छोड़ देंगे और सुबह देखिए ये बिल्कुल तैयार है, बर्फ़ी अच्छा सा जम गई है। तो बस इसे उल्टा करके निकाल दिया, फॉइल पेपर अलग कर दिया है, पिस्ता और सिल्वर वर्क से इसे अच्छी तरह से गार्निश कर दिया है, स्क्वायर शेप में काट लिया, साइड में जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हों उन्हें आप बाहर निकाल दें। और इस तरह से बर्फ़ी हमारी है तैयार। ये देखिए बहुत ही आसानी से कट के अलग हो जा रही है और सॉफ्ट भी है और अच्छी तरह से जम चुकी है। और अंदर जो मैंने ड्राई फ्रूट डाले हैं वो बर्फ़ी के अंदर और नीचे के हिस्से में दिख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और पूरी बर्फ़ी बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुई है और मैं इसे तोड़कर दिखाती हूँ। ये अंदर एकदम दानेदार और थोड़ी परत ऐसी बनी हुई है, बहुत ही अच्छी मॉइस्चर आया है। और मैं चख के आपको बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। बहुत ही बढ़िया बनी है, ऐसा लग रहा है मेहनत सफल हो गई मेरी। और देखने में जितनी सुंदर है खाने में उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी है। तो बहुत ही टेस्टी है, एक अच्छा सा मॉइस्ट है और मीठा भी सही है।
तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, आप भी जरूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपकी कैसी बनी है बेसन की बर्फी। मिलेंगे फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, देखते रहें जिंदगी रोजाना विद श्वेता। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, नमस्ते।